हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे विंडोज का जो पेंट ऐप है उसे इस्तेमाल करके किसी भी इमेज या फोटो से टेक्स्ट को कैसे हटाया जा सकता है या मिटा सकता है। मान लीजिए आपके पास एक फोटो है, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप चाहते हैं वो टेक्स्ट को मिटाया जाए, लेकिन फोटो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मतलब फोटो में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, फोटो जैसे ओरिजिनल है ऐसे होना चाहिए, खाली टेक्स्ट हट जाना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे पेंट को इस्तेमाल करके फोटो से टेक्स्ट को हम मिटाया जा सकते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक, हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डिजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले हम अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं और पेंट ऐप को खोल के वहां पे एक इमेज का जो टेक्स्ट है वो मिटा के हम दिखाते हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया है और यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है, इस इमेज में देखिए यहाँ से हमारे को टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट जो है हटाना है। तो ये टेक्स्ट हटाने में एक बात ध्यान भी रखना है हमारे को, जो मेन पिक्चर है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे कि जैसे है ऐसे ही रहना चाहिए और हमारे को खाली ये टेक्स्ट हटना है। तो इसके लिए हम पहले इसे क्लोज कर देंगे और जो इमेज है उसके ऊपर राइट क्लिक करके पेंट में हमें ओपन कर लेंगे। तो एडिट वाला ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो ये पेंट में ओपन हो जाएगा। ये बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमारे को ये जो रेक्टेंगुलर है सिलेक्ट ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। हमारे को एक रेक्टेंगुलर जो जगह है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये यहाँ से सेम है। अगर आपके पास दूसरा इमेज भी होगा तो उसका जो बैकग्राउंड कलर होंगे, जो टेक्स्ट है टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर होंगे, उसका आस पड़ोस से ही आपको एक रेक्टेंगुलर बनाना है, क्योंकि वो बैकग्राउंड कलर चाहिए ताकि आपको फोटो में कोई दूसरा इफेक्ट ना दिखे। तो एक ये रेक्टेंगुलर हम यहाँ पे बना लिया। तो बनाने के बाद अब देखिए जो रेक्टेंगुलर के अंदर अगर आपका कर्सर लेके आएगा तो कर्सर लाने के बाद ये स्टार वाला ऑप्शन आना पड़ेगा। तो आप इसमें आराम से लेफ्ट की को दबा लीजिए। जैसे हम कोई चीज़ कॉपी करके खींच के ले आते हैं, इस हिसाब से आपको लाना है, हल्का सा यहाँ से खींच लेना है। अगर दूसरे जगह पे ये होता है पूरा उठा के आपको ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे को हमारा साथ ही ये चीज़ है, साथ में ही है, इसलिए हल्का सा उसको उठा लिया है। फिर ये जो तीर का निशान है उसका माध्यम से हम पूरा जो टेक्स है उसके ऊपर तक खींच के लाएंगे। देखिए आपका टेक्स्ट जो है बैकग्राउंड से ढक गया है और अभी यहाँ पे जो निशान दिख रहा है सफेद वाला निशान रह गया, उसके ऊपर भी आप इसे खींच दीजिए। और खींचने के बाद देखिए आपका जो ये जो सफेद निशान है वो भी हट गया है, आपका टेक्स्ट भी फोटो से हट गया है और सफेद निशान भी फोटो से हट गया है और बैकग्राउंड भी सेम रह गया। आपको नहीं कोई बता सकते कि इसके नीचे कोई टेक्स्ट था। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसे फोटो को सेव कर लीजिए। इसी तरीके से आप किसी भी इमेज से कोई सा भी टेक्स्ट जो है हटा सकते हैं और आप चाहते हैं तो और यहाँ पे नया टेक्स्ट भी जोड़ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, कैसे आप पेंट टू इस्तेमाल करके किसी भी इमेज या फोटो से टेक्स्ट को मिटा सकते हैं इसके बारे में पता लग गया होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।